अयोध्या में सीएम योगी का बड़ा बयान सुना गया। कार सेवकपुर में सीएम योगी का बड़ा बयान। कार सेवकपुरम में जहां सीएम योगी ने कहा है कि सनातन विरोधियों पर चलेगी बजरंग बली की गदा और ये समय चैन से सोने का नहीं है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जो सोएगा वो खोएगा। सीएम योगी जाति मजहब के नाम पर बटना नहीं है, ये भी कहते हैं हम बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या के कार सेवकपुरम में संतों से जब उन्होंने मुलाकात की तो उस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, सनातन विरोधियों पर बजरंग बली की गदा चलेगी, ये समय चैन से सोने का नहीं है क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा, उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जाति मत भाषा और मजहब के नाम पर बटना नहीं है, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। सनातन और भारत का नुकसान अब नहीं चलेगा, हमारे अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों का डटकर मुकाबला करना होगा। राजीव सिंह और जानकारी देंगे, लाइव इस समय मौजूद है हमारे साथ। राजीव, दीपावली का पर्व, एक तरफ दीपावली का उत्सव पूरे देश भर में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शाम को वनटांगिया समुदाय के बीच में होंगे, लेकिन उससे पहले जब संत समुदाय के लोगों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की तो फिर से उसी बयान का जिक्र किया जिसको लेकर पीछे पीछे काफी सुर्खियों में रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे को लेकर क्या बड़ी बात है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है, उस पर आप जानकारी दें। दीपोत्सव के आयोजन के बाद इस वक्त मुख्यमंत्री लगातार जो अयोध्या के साधु संत हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही कार सेवकपुरम का हिस्सा है जहां पर इस समय संत समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों को संबोधित कर कुछ ही मिनटों बाद बाहर निकलेंगे और जानकारी मिल रही है कि सामने जो गौशाला है वहां पर गौ सेवा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने संतों को संबोधित करते हुए कहा कि जो वो उन्होंने किया था जब वो 2017 में यहाँ पर आए थे तो लोग नारा लगाते थे कि मोदी जी एक काम करो मंदिर का निर्माण करो, अब मंदिर का निर्माण हो चुका है, सरकार ने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा हो चुका है, अब उनका दायित्व है कि सनातन को धर्म को बुलंदियों तक पहुंचाना है, ऐसे में हमें जाति धर्म और मजहब के आधार पर बटना नहीं है क्योंकि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। सीधा संदेश उन्होंने दिया है कि हमें एकजुट होकर काम करना है और ये समय चैन से सोने का नहीं है क्योंकि जो सोएगा वो खोएगा, हमें सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए बढ़ाने के लिए आगे आना होगा और जो सनातन विरोधी हैं उन पर बजरंग बली की गदा चलेगी। राजीव, एक बड़ी बात यह है कि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी इस तरह की जब बात कही थी तो विपक्ष के निशाने पर वो आ गए थे और विपक्ष ने खुलकर इस बात को लेकर कहा था और हर बार जब भी अगर हम मुख्य रूप से बात करें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तो वो हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर घेरते हैं। अब एक बार फिर से दीपावली के पर्व पर मुख्यमंत्री का इस बयान का फिर से जिक्र करना, एक ये भी कह सकते हैं कि आगामी उपचुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश आज दीपावली के पर्व पर भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। राजीव, देखिए यकीनन जो संत समागम है उस दौरान बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अलर्ट जारी हो चुका है और संतों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और वो उन्होंने संतों को संबोधित करते हुए साफ किया है कि हमें बटना नहीं है, एकजुट रहना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में आगामी 13 तारीख को 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव है, इसके बाद विधानसभा उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो जाएंगी। मैं रोकना चाहूंगी आपको राजीव, इस समय तस्वीरें हम दिखा देते हैं फिर आपसे और चर्चा करेंगे। ये देखिए संत समुदाय के बड़े दिग्गजों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ बैठ के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है उसी के महत्वपूर्ण अंश में आपको हम बता रहे हैं। बड़ी बातें उन्होंने कही है कि बटना नहीं है क्योंकि अगर बट जाएंगे तो कट जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज दीपावली के पर्व पर कही गई बात है जिसके ऊपर हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में जब मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी तो कैसे उन्होंने कल दीपोत्सव में अपनी हाजिरी दिखाई, अपनी मौजूदगी दिखाई जिसमें पहला दीपक उन्होंने ही जलाया और फिर 28 लाख दीपक प्रज्वलित हुए हैं। कल एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान जो है योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने अपने नाम कर लिया है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है, दीपावली का अगला दिन, जब गोरखपुर जाने से पहले
हनुमानगढ़ी में दर्शन किए गए, रामलला के दर्शन किए गए और जब बारी आई सब समुदाय के बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर चर्चा करने की, तो थोड़ी सी चर्चा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बड़ी बातें कह दी। बजरंग बली की गदा का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। बजरंग बली की गदा चलेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। हम बटेंगे तो कटेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। जाति मजहब के नाम पर हमें बटना नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ये हिंदुओं का समय है, सनातन धर्म का समय है। राजीव और जानकारी देंगे। राजीव, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जानकारी हम दे रहे हैं कि लगातार ये बयान जो है सुर्खियों में है। एक बार फिर से दीपावली पर इस तरह का बयान मुख्यमंत्री का देना संदेश आगामी उपचुनाव को लेकर ही देता है। लेकिन अब देखिए विपक्ष ने भी तैयारी कर ली होगी, विपक्ष किस तरह से आगे घेरेगा योगी सरकार को, यह भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार सेवकपुरम में आयोजित संत समागम से निकलकर जो सामने गौशाला आपको नजर आ रही है वहां पर गौ सेवा के लिए गए हैं। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायों को गुड़ खिलाते हुए नजर आएंगे और इस दौरान उन्होंने संतों को संबोधित करते हुए एक बड़ा संदेश दिया है कि जो कमिटमेंट उन्होंने किया था, जो सरकार ने कमिटमेंट किया था, वो सरकार ने पूरा किया है। अब संतों का दायित्व है कि जो हमें जाति मजहब पंथ के आधार पर किसी को बंटने नहीं देना है, सभी को एकजुट रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा संदेश है, आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर राजीव, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए आपके पीछे देख सकते हैं काफी ज्यादा साधु संदेश में मौजूद है, विद्वान मौजूद है, आप इनसे चर्चा भी कर सकते हैं। जो योगी जी ने बयान दिया है, आप इनका रिएक्शन उस बयान के ऊपर ले सकते हैं। देखिए यकीनन हम कुछ संतों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर योगी जी ने क्या संदेश दिया है, मुख्यमंत्री जी ने क्या संदेश दिया है, मुख्यमंत्री जी ने महंत जी क्या संदेश दिया। संदेश बहुत अच्छा दिया है नवयस के अयोध्या के लिए, बोले सब विकास में करूंगा। आप देख सकते हैं तमाम और साधु संत मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और महाराज जी क्या महाराज जी ने संदेश दिया है अयोध्या के लिए? दिया है संदेश की हिंदू अपने अस्तित्व पर रह करके अच्छी तरीके से काम करें, जिससे हमारा राम का जो विराजमान हुए हैं उनका अस्तित्व बना रहे। तो जैसा कि आपने देखा कि जो सनातन के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं उनको लेकर बोला है। इस दौरान हमारे साथ सतुआ महाराज जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। महाराज जी, आज महाराज जी ने क्या संदेश दिया इस समागम में? श्री धाम अयोध्या राम की है और राम की अयोध्या में राम मंदिर बना है। सभी संतों के आशीर्वाद से, सभी संतों की तपस्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर के साथ साथ हमारे भगवा और संत समाज के गौरव हैं। योगी जी ने कहा है हमें बटना नहीं है, अगर बटेंगे तो दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी होंगे। सनातन एक का संदेश देता है, सनातन एक रहेगा, हमें एक रखना है और जय श्री राम बोलना है। जैसा कि आपने देखा ये सतुआ महाराज जी थे, उन्होंने बताया। हमारे साथ अब महंत जी ब्रजमोहन दास जी मौजूद है। महंत जी क्या संदेश दिया है? देखिए दीप उत्सव के उपलक्ष्य में योगी जी आज यहाँ के आम जनमानस से भी मिले, सबको मिठाई वितरित किया, संतों से भी मिले, सबके साथ उन्होंने भोजन प्रसाद पाया और उन्होंने कहा हिंदुओं को संगठित रहना है और हिंदू अगर बटा तो हिंदू कटा। इस पर मैं कहूँगा योगी जी ने सच ही कहा है और बात वही हम रटेंगे, गर जो हिंदू बटेंगे तो समझो एक दिन कटेंगे, गर जो हिंदू बटेंगे तो समझो एक दिन कटेंगे। आप देख सकते हैं कि साधु संत भी काफी उत्साहित हैं और भी लोग मौजूद। क्या क्या मान बलराम दास हनुमान के अयोध्या, चारों तरफ जय जय है, सनातन की जय जय है, दीप दीपोत्सव है, भगवान राम के अपने भवन में मंदिर में जाने के बाद प्रथम दीपोत्सव है, 25 लाख से ऊपर दिया जलाया गया और चारों तरफ सनातन की जय जय है। योगी जी ने कहा है जो बटेंगे तो कटेंगे, यह सत्य है, जब बटेंगे तो कटेंगे, एकता में बल है। आप देख सकते हैं एकता में बल है और जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है उसको लेकर तमाम जो साधु संत हैं वो भी इस बात को मानते हैं। महंत जी क्या संदेश दिया है सीएम योगी ने? योगी जी ने बढ़िया सनातन के अपने साधु संत के संरक्षण में जो है सब काम बढ़िया होते चले आ रहे हैं, ऐसे भी और होगा। सनातन धर्म के लिए साधु महात्मा तो इकट्ठा है, सनातन के लिए साधु महात्मा इकट्ठा है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत सही बात, योगी जी ने बड़ा हम सबको एक विधान दिया है, क्योंकि योगी जी स्वयं एक पीठाधीश्वर है, संतों की सनातन की पीड़ा को समझते हैं
और हम सबको एकता एकजुटता में बनने का जो सूत्र उन्होंने दिया है वो निश्चित ही सराहनीय है और हम सब उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और सारे संत एक। आप देख रहे हैं कि संतों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बयान का समर्थन किया, उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया है और संतों से भी अपील की है कि वो सभी सर्व समाज को एकजुट रखकर आगे बढ़े और सनातन को बुलंदियों पर पहुंचाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जानकारी के लिए। अब देखिए जो बात यूपी से निकली है पूरे देश में ये बात जरूर गरमाएगी और ना सिर्फ देश में जो हिंदू हैं बल्कि विदेशों में रहने वाले हिंदू और सनातनी जो हैं वो भी इस बात को जरूर सोचेंगे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज एक बार फिर से कही गई है। राजीव शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे, लखनऊ से आ रही बड़ी खबर जहां पर निर्माण निगम के पूर्व MD पर शिकंजा कसा गया है। MD CP सिंह से ED करेगी पूछताछ, CP सिंह से घर में पूछताछ की जाएगी ED की तरफ से, बीमारी के चलते घर में ही होगी पूछताछ। ED 3 बार जारी कर चुकी है इनके खिलाफ नोटिस, स्मारक घोटाले में ED करेगी इनसे पूछताछ। स्मारक घोटाला जिसमें पूछताछ की जाने वाली है, लखनऊ का निर्माण निगम के पूर्व MD के ऊपर जो शिकंजा कसा है उस पर आपको जानकारी दे रहे हैं। MD CP सिंह के घर में पूछताछ की जानी है, बीमार है और बीमारी के चलते यहां पर टीम इनके घर पहुंचेगी। अमूमन आप देखते हैं कि ED दफ्तर में जाकर पूछताछ होती है, जिनसे पूछताछ की जाती है जिनको समन जारी किया जाता है वो ED दफ्तर जाते हैं, लेकिन इनकी तबीयत खराब है इस वजह से ED की टीम इनके घर पर पहुंच रही है पूछताछ करने के लिए। बड़ी खबर है ये, पूर्व MD CP सिंह के यहाँ पर पूछताछ करने के लिए टीम पहुंचेगी और कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, आपको बता रहे हैं एक और बड़ी खबर कानपुर से, बड़ी खबर जहां पर एकता हत्याकांड की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को किसी मददगार के होने की यहां पर शक की आशंका है। हत्या के दिन जिम ट्रेनर ने एंट्री नहीं की, रजिस्टर में नाम और समय दर्ज नहीं किया गया। घटना के दिन ग्रीन पार्क के CCTV बंद थे, CCTV बंद होने की भी जांच हो रही है जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है। DM के कंपाउंड में इस महिला की लाश मिली थी जिसके जिम ट्रेनर के साथ प्रेम प्रसंग की चर्चा सामने आई थी। जिम ट्रेनर पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है जो लगातार कई बड़े खुलासे कर रहा है। अमित गंजू और जानकारी देंगे। अमित गंजू, एकता हत्याकांड में नए नए खुलासे हो रहे हैं, ये जो नए खुलासे हो रहे हैं इस पर क्या जानकारी मिल रही है सोर्सेज के माध्यम से? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर का एक हाई प्रोफाइल होता जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से जिम ट्रेनर जो कानपुर के ग्रीन पार्क और DM कंपाउंड में बने जो क्लब है उसमें तमाम लोगों को सिखाता था, इन सब के बीच उसकी एकता की हत्या करना और उसके बाद शव को DM कंपाउंड में गाड़ने के मामले के बाद से एक तरह के नए खुलासे हो रहे हैं। अगर पुलिस के अधिकारियों के सोर्सेज की माने तो जहां एक और कुछ अन्य महिलाओं के साथ चैटिंग की बात नहीं आई तो वहीं जिम ट्रेनर द्वारा ग्रीन पार्क में निकले वाले दिन कैमरा काम नहीं कर रहा था, लाइट का जाना, कैमरा का खराब होना क्या इत्तेफाक है ये एक जांच का विषय है क्योंकि जिस प्रकार से रजिस्टर में इन और आउट की एंट्री होती थी उस दिन इन आउट की एंट्री नहीं हुई। तीसरी अहम चीज शक है कि किसी एक तीसरे मददगार इसमें हो सकता है। इस बिंदु पर पुलिस ने जहां एक और इसके फोन्स चैटिंग और 108 नंबर्स को ट्रेस किया, इसमें 17 ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीटेशन पे आए, ऐसे में ये 17 नंबर किनके हैं, उसमें 3 ऐसी महिलाओं का जिक्र आ रहा है जिनके साथ उसकी चैटिंग हुई है। अब ये महिलाओं का क्या एकता से कोई कंसर्न था, क्या जिम ट्रेनर विमल से उनके कंसर्न, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना अभी बाकी, मगर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जी कंचन जी बिल्कुल बड़ा खुलासा है ये और देखिए हर दिन एक नई कड़ी का खुलना ये अमित गंजू पुलिस के लिए भी काफी चुनौती भरा है क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं इस बात से ये मानना तय है कि ये हत्याकांड जो है किसी एक शख्स के द्वारा किया गया नहीं है, इसमें कई लोगों की मिलीभगत है। अमित आपको आवाज आ रही है मेरी? तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे। अमित गंजू बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं लखनऊ की खबर जहां पर शाइन सिटी के CMD राशिद नसीम की संपत्तियां नीलाम होगी। 9 दिसंबर तक देश नहीं लौटने पर यह कार्रवाई की जानी है। फिलहाल राशिद नसीम ने दुबई में शरण ले रखी है। ED ने UAE दूतावास के जरिए राशिद नसीम को नोटिस भिजवाया है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट यानी के FIO के तहत
आरोपी की अचल अचल संपत्तियों को नीलाम किया जाता है और इसकी जानकारी पीड़ित को दे दी गई है। 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का आर्थिक अपराध करने वालों पर फ्यू एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जो अब होने वाली है राशिद नसीम पर। राशिद नसीम पर यूपी में फ्यू एक्ट का पहला मामला ईडी ने दर्ज किया है। विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधी जब देश आने से मना करते हैं तब फ्यू एक्ट लागू किया जाता है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, एक तो ये फ्यू एक्ट आप विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाएं, जो कि लगाया जाने वाला है सीएमडी शाइन सिटी के सीएमडी राशिद नसीम पर, इनकी संपत्तियों की जो नीलामी की जानी है। देखिए, 2018 में केंद्र सरकार एक कानून लेकर आई थी भगोड़े आर्थिक अपराधियों के खिलाफ। ऐसे लोग जो यहाँ पर तमाम निवेशकों की रकम हड़प कर विदेश भाग जाते हैं, कानून का नाम था फियो, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। इसके तहत उत्तर प्रदेश में पहला मामला ईडी ने दर्ज किया है शाइन सिटी ग्रुप के सीएमडी राशिद नसीम के खिलाफ, और अब उसी एक्ट के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दुबई स्थित, यूएई स्थित जो दूतावास है भारत का, वहां पर ये नोटिस भेजी गई है कि राशिद नसीम को उसको सर्व कराया जाए और ये बताया जाए कि 9 दिसंबर तक अगर राशिद नसीम यहां पर ईडी से संपर्क नहीं करते हैं तो उनकी चल अचल संपत्तियों को फियो एक्ट के तहत नीलाम कर दिया जाएगा और नीलामी से मिली रकम उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिनको ठगा गया है। शाइन सिटी ग्रुप पर सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 540 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, देश के कई अन्य शहरों में भी इस ग्रुप के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, 264 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी ईडी की जब्त कर चुकी है। लेकिन अब ये जो सबसे सख्त कानून है फियो एक्ट, इसके तहत इनकी संपत्तियों को नीलाम किया जाएगा और निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा अगर 9 दिसंबर तक राशिद नसीम नहीं आते। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि।